हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो और ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं साउथर्न सी कोलचेस्टर से, और कोलचेस्टर से लाइक 1.5 आवर का डिस्टेंस है बाई ट्रेन जा रहे हैं, क्योंकि बसेस वगैरह ज़्यादा अवेलेबल नहीं है और बाई ट्रेन थोड़ा सा कन्वीनियंट भी है और एफिशिएंट भी है। और यहाँ से ट्रेन टिकट अभी मुझे पड़ा है 16 पाउंड का, तो लाइक थ्रू द रेल कार्ड, अगर रेल कार्ड नहीं होता तो मेरे ख्याल से 22 या कुछ का पड़ता, तो 30% डिस्काउंट मिलता उस पर। और रेल कार्ड बनवा लेना अगर किसी का वो है, तो मतलब जो बहुत ज़्यादा ट्रेन से ट्रैवल करेगा उसको रेल कार्ड बनवा लेना चाहिए, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है, लाइक 30% तक एवरी जर्नी पे मिलता है। सो ये जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये हाइथ स्टेशन है, मतलब ये कोलचेस्टर में, मतलब यहाँ पे सर्विसेज थोड़ी सी कम है बट ठीक है, यहाँ से जा सकते हो। लंदन के लिए भी सर्विसेज अवेलेबल है थोड़ी, और वीकेंड पे तो ऑब्वियसली कम होती है, और आज के दिन स्ट्राइक अलग से, यहाँ पे स्ट्राइक्स का तो अलग ही लेवल का टेंशन है, जब देखो स्ट्राइक ही स्ट्राइक होता है। इंडिया अभी पहुंच के शेनफील्ड स्टेशन पे, शेनफील्ड से एक और ट्रेन चेंज करनी है जो विक्टोरिया क्या साउथर्न सी विक्टोरिया स्टेशन पे जाएगी, और वहाँ से 5 to 10 मिनट्स का वॉक है। यहाँ पे वॉक तो बहुत ज्यादा ही करना पड़ता है, तो चलो यहाँ से ट्रेन वगैरह चेंज करता हूँ। साउथर्न विक्टोरिया पे निकल चुके हैं, और यहाँ से देखो यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स साउथर्न जो कैंपस है ना, वो 5 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स 5 मिनट्स की दूरी पे है, साउथ एसेक्स कॉलेज भी है यहाँ पे। ये है विक्टोरिया स्टेशन। भाई उड़ तो जा, कुछ तो डर, कुछ डर वर कुछ नहीं है इनके अंदर। और ये साउथर्न सी का मुझे लग रहा है हाई स्ट्रीट या मार्केट एरिया होगा, बैंक भी है साइड, और शॉपिंग सेंटर भी, WH स्मिथ और पोस्ट ऑफिस सामने, स्टारबक्स भी है सामने, और सामने मैकडी भी है, अच्छा है, ओटो का सिम वगैरह, वोडा का सिम, स्मॉल स्टार, तो ये हाई स्ट्रीट जैसा ही है मुझे लग रहा है। यहाँ पे फ्रूट्स की शॉप भी है, ओहो 4.99 इंच, काफ़ी महंगा बेच रहा है यार, टेस्को पे ही मिल जाता है 3.5 का, 2.5 का, डिफरेंट डिफरेंट मैंगोस, अच्छा है फ्रूट शॉप। ये है डेली ऑर्गेनिक्स शॉप, देखो क्या मस्त लग रही है। यूके में ना आपको कभी कभी क्लोजिंग डाउन सेल मिलती है, जैसे कि ये देखो मेरे सामने क्लोजिंग डाउन सेल लिखा हुआ, तो इसमें लाइक 50-60% ऑफ मिलता है, तो कभी कभार हैव अ लुक, एटलीस्ट हैव अ लुक कि क्या क्या है अवेलेबल। जहाँ दिखा प्राइममार्क, ये घुस गए अंदर, ये प्राइममार्क साउथर्न सी पे, और सामने से यहीं से दिख रहा है बीच वगैरह तो। और फाइनली प्राइममार्क से कर लिया बहुत सारा शॉपिंग, ये देखो निकर शॉर्ट्स, और ये देखो इसने भी कर लिया बहुत सारा शॉपिंग, और शॉपिंग करने के बाद फेस देखो इसका, आए हाय हाय हाय। शॉपिंग के लिए भी, और कॉफ़ी वगैरह, फार्मेसी वगैरह, मतलब ए टू जी सारी चीज़ें अवेलेबल है शॉपिंग वगैरह के लिए, ग्रोसरी स्टोर। यहाँ का लग रहा है टीके मैक्स और बूट्स रॉयल शॉपिंग सेंटर होगा ये, और वहाँ से स्ट्रेट आते ही सामने ही बीच है, पूरा का पूरा बीच हो गया, या जितने भी राइड्स वगैरह थे सब कुछ सामने ही है, पे लगा हुआ लिफ्ट नीचे जाने के लिए, और यहाँ से व्यू देखो भाई साहब। ओ भाई ये वाली राइड देखो, ये पूरा घूम जाता है शायद। ओ भाई साहब, OMG पूरा घूम जाता है भाई ये वाला राइड। काफी सारे लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, और लंदन से भी बहुत सारे लोग आते हैं भाई साउथर्न सी देखने के लिए। फाइनली ये फर्स्ट व्यू है यहाँ का, और यहाँ पे देखने के लिए वही है, बीच साइड है, शॉपिंग के लिए है, राइड्स है, ज़्यादातर तो यही सब है। और ये देखो जैसे ही समर्स स्टार्ट होता है ब्रिटेन में, लोग देखो कैसे नंगे वंगे घूमने लगते हैं, ये देखो नंगे पंग। देखते टिकट वगैरह किधर से लेना है, ये है साउथ एम्पायर एंड रेलवे, जैसे कि यहाँ पे कल्चर ही है फिश एंड चिप्स वगैरह का, तो सी फूड और फिश एंड चिप्स वगैरह साइड में, मतलब ये बीच साइड है, बीच साइड और राइड्स वगैरह, राइड्स के साइड में ही इन्होंने कैफे, लंच और फिश एंड चिप्स वगैरह सब कुछ बना रखा है। वहाँ से स्ट्रेट आते ही यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ है बीच साइड, मतलब यहाँ पे लोग इंजॉय कर रहे हैं पूरा, अपना स्नैक्स वगैरह लेके आए हुए सब, अच्छा कैफे बार और बिस्ट्रो वगैरह बना हुआ है यहाँ पे सामने। बाप रे कितने सारे लोग बीच पर। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out. So, मैंने दो राइड का टिकट लिया है, ज़्यादा टिकट नहीं लिया, like 24 का पूरी किसी भी राइड में जा सकते हो।
अदरवाइज 14 पाउंड का होने वाला है ये, पता नहीं। और 9 बजे तक खुला है रात के, तो अच्छा ही है, 9 PM तक खुला हुआ है। आपको इंडिविजुअल राइड करनी है तो वो 3 पाउंड ईच राइड है, तो मैंने तो दो ही टिकट लिया है टू राइड्स के लिए। ये स्काई ड्रॉप वाला तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, मैं मतलब विंटर वंडरलैंड में गया था तो भाई बहुत सारी राइड की थी, इस वजह से ज़्यादा पसंद नहीं है ज़्यादा राइड। अभी फ़िलहाल मैंने दो ही टिकट लिए क्योंकि मुझे दो ही राइड करनी थी, एक एडवेंचर आइलैंड वाला और एक ये वाला, दिखाता हूँ ये वाला करना है और एक एडवेंचर आइलैंड वाला है, वो खतरनाक ये रहे। Never doubt, not what I'm about. Have your f***ing clout, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. भाई इस राइड का अमेजिंग एक्सपीरियंस था, यहाँ से जब ऊपर जाते हैं तब सबसे ज्यादा डर लगता है, और ये यहाँ पे जब आता है ना टर्न हो के भाप रे, तब तो पूरी गांड फट जाती है, मतलब बहुत ज्यादा गंदा एक्सपीरियंस था। शॉर्ट राइड है, लाइक हार्डली 10-15 seconds का, तो इतना ज्यादा मजा नहीं आया। थोड़ा लंबा राइड होता लाइक 15-30 seconds का, तो अलग ही लेवल का मजा आता। और अंदर जो है कैसीनो गेम्स वगैरह के लिए बना हुआ है बहुत सारा, अलग इस टाइप का गेम्स वगैरह बच्चों के लिए। और दूसरी साइड पे ये अलग अलग राइड्स हैं बच्चों के लिए, बहुत सारी राइड्स हैं। किड्स वगैरह के साथ आते हो तो बहुत अच्छा है एक्सपीरियंस। कैंडीज वगैरह शॉप पूरा सिमिलर लग रहा है मुझे क्लैक्टन फेयर की तरह, क्लैक्टन की तरह ही ऑलमोस्ट सेम राइड है, कुछ कुछ सेम राइड है, कुछ अलग है, कुछ काफ़ी खतरनाक वाली राइड है। ये तो ऑलमोस्ट सेम जगह ही, हर जगह ही होता है। बाकी ये वाली राइड भी अच्छी है, मेरे को तो बस ये वाली राइड करनी है एडवेंचर आइलैंड वाली। सारी तो बच्चे वाली राइड है, कौन ही करेगा, मतलब मुझे तो पसंद नहीं है ज़्यादा। लिटरली इस वाली राइड में भाई बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और ये एक सेकंड जब ये ऊपर जाती है ना भाई, एक सेकंड के लिए हॉल्ट हो जाता है और भाई मतलब ऐसा लगता है जान निकल गई पूरी, एक दो सेकंड के लिए ऊपर हॉल्ट हो जाता है, लाइक उल्टा पूरा ऐसा हो जाता है अपन लोग, तो भाई उस टाइम पे पूरी गंदी वाली दम निकल जाता है पूरा का पूरा। पर यह है कि मज़ा आ गया, लेकिन लिटरली मज़ा आ गया। दो ही राइड की मैंने, 6 पाउंड का लगा मुझे, 3 पाउंड ईच राइड है। और जैसे कि मैंने बताया कि 24 पाउंड्स का 9 to 9 PM तक खुला हुआ है, लाइक 12 आवर्स के लिए, बट अगर आप आफ्टर 5 PM यहाँ पे एंट्री करते हो तो 14 पाउंड्स का है टिकट, मतलब पता नहीं ये कैसे कम कर देते हैं उसके बाद, 14 पाउंड्स का है, फिर कोई भी राइड कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको इंडिविजुअल कोई भी राइड करनी है तो वो 3 पाउंड ईच राइड है। और बच्चों के लिए तो काफ़ी सारी राइड्स है, बाकी बड़े लोगों के लिए भी है काफ़ी सारी राइड्स, और हाई एड्रेनल वाली भी है। तो जिन लोगों को राइड वगैरह करना अच्छा लगता है वो डेफिनेटली एक बार आके इंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज वहाँ पे बीच वगैरह भी है, वहाँ भी सनसेट वगैरह या बीच में आपको एंजॉय करना है तो वो भी आप कर सकते हो। फिर सामने 2 पाउंड का लॉकर बना हुआ कस्टमर्स के लिए, लाइक किसी भी कुछ भी लॉकर खोल सकते हो, 2 पाउंड का है, कोई भी लॉकर एक्सेस कर सकते हो, मतलब जैसे सामान वगैरह एक्सेस में लेके आ गए हो तो स्टोर करके रख सकते हो। फिर के लिए यहाँ पे काउंटर बना हुआ है, तो ये वाला गेम खेल रही है, हुक अ डक, 2 पाउंड एक डक पिक करना है, 5 पाउंड में 3 प्लेज है, तो देखते हैं। ये देखो कितनी खुशी हो रही है गेम खेलने के मामले में और शॉपिंग के मामले में, देखो कितनी खुशी होती है ये। इससे डक को पिक करना है, हुक करना है डक को, अगर रेड वाला आता है तो इसमें से बड़ा वाला ले सकते हैं, अगर एक वाइट वाला ग्रैब करती है ये तो वो मिलेगा, और जितने भी ब्लू करेगी तो उसमें से वो छोटा वाला, ये देखो ये वाला, तो इसमें से ये वाला मिलेगा फिर, तो ब्लू वन मिला है इसको एक, सो इसमें मिला है नो विन, अगेन नो विन, डोंट वरी यार। अब राइड छोड़ के इसको देखो कौन सी राइड पसंद आई है, ये देखो ये बच्चों वाली राइड इसको पसंद आई है, देखो सारे के सारे बच्चे हैं, देखो बच्चे हैं, लगता ये राइड थी कि क्या मजाक था यार। यहाँ पकड़िया
feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feel. Oh yaar, pura ride wait ho gayi hai aur ab jayenge McD wagera kuch khayenge, uske baad kar jate hain. To aaj ki vlog ke liye itna hi rakhte hain. Milte hain kisi aur video mein, tab tak ke liye bye bye. और ये है साउथ एंड कैंपस मेरे सामने यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स का. ये देखो, वी आर एसेक्स, वो लिखा यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स, बट जो भी है कोलचेस्टर कैंपस ही ज़्यादा बेटर है.